नमस्कार, मैं उर्वशी जैन श्रद्धा चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं हमारे बहुचर्चित कार्यक्रम ग्रहों की माया में। और हमेशा की तरह आज भी हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एन राजेंद्रन कृष्णन जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम ग्रहों की माया में। धन्यवाद पंडित जी। सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत में आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप पितृदोष के विषय में क्या नई जानकारी देने वाले हैं। बिल्कुल उर्वशी जी, आज भी मैं अपने पितृदोष के बारे में कुंडली में आपको नई जानकारी देने वाला हूं। और मेरा यही मकसद है कि आपको पितृदोष की सही स्थिति कैसे बनती है और कैसे कुंडली में पितृदोष निकाला जाता है, किस प्रकार क्या क्या ग्रह स्थितियाँ होती हैं, जिससे हम ये जान सकें कि एक्चुअल में हमारी कुंडली में पितृदोष है या नहीं। अक्सर क्या देखा गया है कि कुंडली देख के, हर व्यक्ति कुंडली को देख के बोल देता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। एक्चुअल में कुछ पोजिशन ऐसी होती हैं बहुत सी, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कुंडली में पितृदोष है। तो आज भी मैं आपकी कुंडली, आपके सामने एक नई कुंडली पेश कर रहा हूं, जिससे आप कुंडली में पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर कुंडली नंबर एक देखिए। यदि कुंडली में पंचम भाव में शनि व राहु की स्थिति हो और उस पर गुरु की दृष्टि ना बनती हो, तो ऐसे में भी कुंडली में घोर पितृदोष बन जाता है। इस दोष के कारण व्यक्ति को संतान, विद्या, बुद्धि तीनों का सुख जीवन में अल्प मात्रा में प्राप्त होता है। जीवन कड़ा संघर्ष से व्यतीत होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में पेट के गंभीर रोग झेलने पड़ते हैं और पेट के गंभीर रोग के कारण व्यक्ति को जीवन में कई बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, मृत्यु तुल्य कष्ट झेलना पड़ता है। यह एक बहुत ही दुखद एक पितृदोष है कुंडली में। इसके अलावा आप कुंडली में टीवी पर कुंडली नंबर दो देखिए, मैं आपको एक श्राप वाली कुंडली दिखा रहा हूँ। यदि कुंडली में लग्नेश और पंचमेश छष्ट भाव में हो और चतुर्थेश चंद्रमा अष्टम भाव में हो, नीच अवस्था में बन जाए, तो ऐसे में भी कुंडली में घोर पितृदोष बन जाता है। चतुर्थेश का अष्टम भाव में होना अपने आप में एक श्राप को दर्शाता है। ऐसे में व्यक्ति मात्र श्राप से पीड़ित हो जाता है। इस कुंडली के कारण, इस दोष के कारण व्यक्ति की माता की आयु ज्यादा नहीं होती, वह निरंतर बीमार रहती है। ऐसे व्यक्ति के भाग्य में माता का सुख नहीं होता, अल्प समय में ही ऐसा व्यक्ति माता के सुख से वंचित हो जाता है। ऐसा सिर्फ पूर्व जन्म के माता के श्राप के कारण होता है। यह आपको मैं बता रहा हूँ, कुंडली में पक्का एक प्रमाणित श्राप कुंडली है। इसको इसे हम कहते हैं मातृ श्राप कुंडली। दर्शकों, यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का भी श्राप लगा हुआ है या कोई ऋण है, आप इसका निवारण अवश्य ही कर सकते हैं। जब तक आप पश्चाताप नहीं करेंगे, जब तक इन ऋणों को नहीं चुकाएंगे, जीवन में सुख नहीं मिलेगा, आप इससे बच नहीं सकते। आप जन्म जन्मांतर तक जहां भी जाएंगे, कितने ही क्यों ना जन्म ले लें, आपको यह ऋण चुकाना ही पड़ेंगे। ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है, दान कर्म एक ऐसा माध्यम है कि आप पहाड़ को भी राई के समान कर सकते हो। इसलिए आप दान करें, कर्म करें, अच्छे कर्म करें, सदैव अपने कर्मों को अच्छा रखें, लाभ होगा। इसके लिए पितृ शांति के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपके घर में कोई भी कुत्ता बिल्ली यदि आपके द्वार पर आता है, कोई गऊ आती है, आप उसका निरादर ना करें, उसका तिरस्कार ना करें, उसकी सेवा अवश्य करें, क्योंकि हमारे पितृ देवता जीवों के रूप में भी हमारे द्वार पर आके हमसे कामना करते हैं, दूसरे रूपों में आके, दूसरी देह में भी आके हमसे प्रार्थना करते हैं। हमें उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, यथाशक्ति उन्हें भोजन देना चाहिए, उन्हें पानी पिलाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। बात करना चाहेंगे स्वप्न की, कि यदि स्वप्न में शराब दिखे तो उसका क्या अर्थ समझे। यदि व्यक्ति स्वप्न में शराब देखे, हालांकि शराब पीना हमारा समाज, हमारा शास्त्र अच्छा नहीं कहता, इसे बहुत ही एक व्यसन कहा गया है, ये अच्छे योग नहीं है शराब पीना, इससे हमारे संतान का, हमारे परिवार का, हमारे कुल का नाश होता है। लेकिन स्वप्न में यदि कोई व्यक्ति शराब देखे तो उससे बहुत ही समृद्धि की प्राप्ति होती है, घर में खुशियाँ आती हैं, खुशी का माहौल बनता है और आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं, आप समृद्धि की ओर बढ़ते हैं। स्वप्न में शराब देखना बहुत ही शुभ है, बहुत ही लाभकारी है। जी, जैसा कि आप हमेशा हमें बताते हैं, ऐसे ऐसे योग आपने बताए हैं, दुर्लभ योग, जिन्हें जानकर, जिन्हें पढ़कर, जिन्हें समझकर, लोगों ने हमें पत्रों में लिखा है कि उन्हें बहुत अधिक ज्ञान हासिल हो रहा है, तो आज हमें आप कौन सा योग बता रहे हैं मृत्यु विचार के कुल। मृत्यु विचार के ऊपर मैं अपने दर्शक को बताना चाहता हूँ, आज का योग भी है बहुत ही एक अशुभ मृत्यु योग है, मृत्यु विचार है। यदि कुंडली में मेष लग्न में चंद्रमा अष्टम मृत्यु स्थान में चले जाएं, नीच अवस्था में चले जाएं और धन भाव में शनि हो, ग्यारहवें स्थान पर बैठे मंगल शनि को देखते हों, चतुर्थ भाव में राहु और दशम भाव में केतु की स्थिति बन जाए, ऐसे में भी एक दुखद और अकाल मृत्यु योग बन जाता है। ऐसे में व्यक्ति की आयु अधिकतम 28 वर्ष रहती है और मृत्यु कारण रहता है पेट का कैंसर रोग। यदि कुंडली में लग्नेश
अष्टम में चले जाएं, नीच अवस्था में हो, चंद्रमा अष्टम में नीच अवस्था में हो और धन भाव में शनि की स्थिति हो, शनि को मंगल देखते हो, चतुर्थ भाव में राहु हो, दशम भाव में केतु हो, ऐसे में भी एक दुख मृत्यु योग बने, आयु अधिकतम रहे 28 वर्ष, मृत्यु कारण रहे पेट का कैंसर। बहरहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और लेंगे पंडित एन राजेंद्रन कृष्णन जी से जानकारियां और भी अधिक विषयों के ऊपर, तो आप बने रहें हमारे साथ। अब आपके लिए है खुशखबरी, अगर आप अपने संपूर्ण जीवन का सूक्ष्म विवरण घर बैठे ही जानना चाहते हैं तो आप ईमेल के जरिए जान सकते हैं। ये सब आप वैदिक पद्धति व लाल किताब के उच्च कोटि के विशेषज्ञ विश्व के महान ज्योतिषाचार्य पंडित राजेंद्र कृष्णन जी से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा आप विश्व के किसी भी कोने से गुरु जी से सीधी फोन पर वार्ता कर सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जन्म पत्रिका पूर्ण विवरण वैदिक पराशर पद्धति व लाल किताब कुंडली प्राप्त करने के लिए आपको खर्च करने होंगे मात्र 2100 रुपए। इसके साथ आप पाएंगे 2100 रुपए की समाधान सामग्री बिल्कुल फ्री, जिससे आपका जीवन परम सुख की प्राप्ति करेगा व आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। यदि आप अपने संपूर्ण जीवन के योगों के बारे में व होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं व पूर्ण समाधान जानना चाहते हैं तो आप भी विश्व विख्यात ज्योतिष अलंकार पंडित राजेंद्रन कृष्णन जी से जान सकते हैं। इसके लिए खर्च करने होंगे आपको मात्र 501 रुपए। इसके लिए आपको मिलाना होगा ये नंबर 01306450555 और देनी होगी अपनी जन्मतिथि व पूरा पता। घर बैठे ही आप ये सुविधा ले सकते हैं। इसके अलावा आप गुरुजी से मिल सकते हैं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हस्तरेखा, मस्तक रेखा, प्रश्न कुंडली, रावण संहिता, भृगु संहिता, लाल किताब, काली किताब, टैरो कार्ड के माध्यम से विश्व में सबसे अग्रणी स्थान व सम्मान पाने वाले ज्योतिषाचार्य श्री ज्योतिष अलंकार पंडित राजेंद्र कृष्ण जी से बिल्कुल निशुल्क मिलकर अपने जीवन व भाग्य को बदल सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ग्रहों की माया में और अब वक्त हो चला है दर्शकों आपके भेजे गए पत्रों के उत्तर जानने का। हम प्रथम ये पत्र ले रहे हैं, हमारे पास आया आशा जी का है। वो लिख रही हैं कि लाइट न रहने की वजह से वो अक्सर ये कार्यक्रम बीच में से छूट जाता है उनसे, लेकिन वो बहुत पसंद करती हैं और आप पर बहुत विश्वास है, उन्हें अटूट विश्वास है। उनके पति किराने का व्यवसाय करते हैं, पहले बहुत सारे ग्राहक आते थे लेकिन अब नहीं आते हैं, संतुष्ट रहते थे, अब आर्थिक तंगी हो गई है, तो कृपया करके वो इसके विषय में उपाय जानना चाहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम पर इतना भरोसा करते हैं और आप हमारा नियमित कार्यक्रम देखते हैं, आपकी कुंडली देख रहे हैं, आपकी कुंडली कन्या लगन की है और चतुर्थ भाव में शनि और सप्तम भाव में केतु, ऐसे में लोगों की नज़र हाई बहुत लगती है और व्यापार में रुकावटें आती हैं, रुक रुक कर काम चलता है और मन में एक अशांति का वास रहता है। इसके अलावा आपकी कुंडली में एक बहुत ही सुंदर योग है कर्म भाग्येश, आपके कर्म भाव में कुंडली में अच्छा एक योग बनता है, आपका भाग्य अवश्य साथ देगा यदि आप कुंडली में राहु की शांति करते हैं, शनि की शांति करते हैं। वर्तमान आपकी कुंडली दर्शाती है कि अभी आपके ऊपर 2013 तक राहु की महादशा है, राहु लगन में बैठ के अशुभ योग बनाते हैं, मानसिक तनाव बनाते हैं, बुद्धि को भ्रांत करते हैं और राहु की दृष्टि आपके पराक्रम पर जाती है, आप उत्साहहीन हो जाते हैं और आपके व्यापार में रुकावटें आती हैं क्योंकि राहु का संबंध सप्तम भाव से भी है। तो सबसे पहले राहु की शांति करें, राहु की शांति के लिए आप 800 ग्राम लेड लें, बुधवार के दिन आप उसके 8 टुकड़े करवाएं और उसको अपने हाथ से जल प्रवाह कर दें। इसके अलावा आप हर बुधवार के दिन आप चींटियों को थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा गोला उसको पीसकर, शक्कर और गोला मिक्स करके आप जहाँ भी चींटियाँ चलती हैं आप थोड़ा चींटियों को डालें, अवश्य इससे राहु की शांति होगी। नियमित रूप से आप गरीबों की सेवा करें, कुष्ठों को बुधवार के दिन फलों का दान करें और किसी कुष्ठ व्यक्ति को आप बुधवार के दिन संध्या काल में एक सलेटी रंग का कंबल दान करें, इससे अवश्य ही आपकी जो गृह स्थिति है आपकी वह अनुकूल हो जाएगी, जितना भी प्रतिकूल प्रभाव है वह दूर हो जाएगा। आपकी दुकान पर ग्राहक कम आते हैं, आपको मेहनत का फल कम मिलता है, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा आपको टिप दे रहा हूँ, आप शुक्रवार की रात्रि को आपकी जो भी दुकान है, जहाँ भी दुकान है आपकी, आप दुकान जब भी आप रात को दुकान को बढ़ाएं, दुकान को ऑफ करें, तो दुकान के अंदर चारों कोनों पर आप एक एक नींबू रख के जाएं और शनिवार को थोड़ा सुबह जल्दी, जब भी आप थोड़ा शॉप खोलें थोड़ा जल्दी आएँ, जब आसपास बाज़ार ना खुला हो जल्दी आएँ और वह नींबू निकाल कर आप वह चारों नींबू अपने दुकान के बाहर जो आपका प्लेटफॉर्म है, जो थला बना हुआ है, आप उसको वहाँ रखें और उसको ईंट से फोड़ दें,
यह क्रिया करके देखें, अवश्य ही काम आपका सुचारू चलेगा और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी, आपको जीवन में लाभ होगा। जी फिलहाल वक्त हो चला है अब योग विचार के विषय में जानने का, तो पंडित जी आज हमें आप कौन से योग के विषय में जानकारी देने वाले हैं? आज का योग बहुत ही एक शुभ योग है जो मैं अपने प्रिय दर्शकों को देना चाहता हूँ। आज का योग है कुल दीपक योग। यदि कुंडली में तीसरे पराक्रम भाव में भाई बहन भाव में उच्च के गुरु विराजमान हो, ग्यारहवें घर में चंद्रमा की स्थिति बन जाए, तो ऐसे में बहुत ही एक शुभ योग बन जाता है, ऐसे में कुल दीपक योग बन जाता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में यह ग्रह स्थिति बन जाए, ऐसा व्यक्ति अपने कुल का दीपक होता है, अपने कुल को संवारने वाला होता है, अपने कुल का पालक होता है, अपने कुल का नाम रोशन करने वाला होता है। उसकी ख्याति देश विदेश तक फैलती है, पूरा समाज उसको जानता है, उसकी छवि बड़ी साफ सुथरी रहती है। ऐसा व्यक्ति बड़ा धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है और अपने कुल और अपने परिवारजनों की सेवा करने वाला होता है। इसे कुल दीपक योग कहा गया है। बहरहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और लेंगे पंडित एन राजेंद्रन कृष्णन जी से जानकारियां और भी अधिक विषयों के ऊपर, तो आप बने रहें हमारे साथ। आप सभी दर्शकों के लिए खुशखबरी, गुरुजी ने 108 दिन के अनुष्ठान को पूर्ण किया है, जिसमें आपके लिए श्वेतार्क गणपति एक ऐसी दुर्लभ वस्तु जिसे प्राप्त करने पर जन्म जन्मांतर के पापों से आप मुक्त हो जाएंगे। दरिद्रता, ग्रह क्लेश, कार्य बाधा, असाध्य रोग, अकाल मृत्यु से मुक्ति पाएं व सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति करें। श्वेतार्क गणपति घर में स्थापित करके आप परम सुख व अलौकिक सुख की अनुभूति करेंगे। इसके स्थापित करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर भागेगी व घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। श्वेतार्क गणपति जिसकी कीमत है मात्र 2100 रुपए। इसके साथ साथ आप पाएंगे एक रुद्राक्ष की माला एवं श्री गणेश यंत्र बिल्कुल फ्री। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है खास कार्यक्रम ग्रहों की माया में। और दर्शकों अब वक्त हो चला है पंडित जी से यंत्र के विषय में जानने का। पंडित जी आज आप हमें किस यंत्र के विषय में जानकारी देने वाले हैं? आज का यंत्र बड़ा लाभकारी है, दिव्य शक्ति सहायता यंत्र। यदि आप चाहते हैं कि आपको अदृश्य रूप से उस परमात्मा की शक्तियों की सहायता प्राप्त हो और अदृश्य रूप से आपके कार्य बने, आपको एक कवच की शक्ति प्राप्त हो, तो यह यंत्र इतना चमत्कारी है जो आपको ईश्वरीय शक्ति प्रदान करेगा और आपका जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण कर देगा, आपको हिम्मत देगा, आपको हौसला देगा। इस यंत्र को आप टीवी स्क्रीन पर बड़े ध्यान से देखें और उतारें। यह यंत्र इतना चमत्कारी है जो बहुत कम समय में आपको अत्यधिक प्रभाव दिखाने वाला है। यह यंत्र आप किसी भी गुरु पुष्य नक्षत्र के अंदर, आप इसका सूर्योदय काल में आप इसका निर्माण करें, भोजपत्र लें और केसर की स्याही से अनार की कलम से आप इसका निर्माण करें। बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा से आप उत्तरमुखी होकर बैठकर कंबल के आसन पर बैठें और इस यंत्र का बड़े शांत मन से स्वच्छतापूर्ण इस यंत्र का निर्माण करें। इस पर धूप दीपक दिखाएं, इस पर पीले और सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं। कम से कम 7 घंटे आप इसको इस यंत्र को उसी अवस्था में रखें, तैयार करने के बाद, धूप दीपक दिखाने के बाद, पुष्प चढ़ाने के बाद। उसके बाद शुद्ध चांदी के ताबीज में भर के आप पीले धागे में यदि आप इसको गले में धारण करेंगे, इससे अवश्य ही परमात्मा की आपको शक्ति मिलेगी। ईश्वरीय गुप्त शक्तियों को आपको आपकी सहायता करनी ही पड़ेगी और आपको उससे पूर्ण लाभ मिलेगा, आपका जीवन सुखमय होगा। पंडित जी बहरहाल वक्त हो गया है आज दर्शकों से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपका शुक्रिया जरूर अदा करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। हमारा पता है ग्रहों की माया, श्री राम शरणम ज्योतिष संस्थान, ओल्ड डीसी रोड, बत्रा हॉस्पिटल के साथ वाली गली, सोनीपत, हरियाणा। कॉन्टैक्ट 01306450555, 09813543326, 09813984169 और 09813544010। ईमेल ग्रहों_की_माया@yahoo.com।